Gora, 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 Hari. Kaleha Pratma Sandhyayam Lakshmi Kanto Bhavishyati Daru Brahma Samipastaha Sanyasi Gaur Vigraha. हरे कृष्णा इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम ये वीडियो गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में गौरांग महाप्रभु की महिमा का गुणगान करने हेतु बना रहे हैं। हमारी इस वीडियो का शीर्षक है बकुल वृक्ष लीला। आंगन में लगा एक अद्वितीय बकुल वृक्ष कैसे एक सिद्ध बकुल वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा। हर सुबह पुजारी जगन्नाथ स्वामी बलभद्र दाऊ और सुभद्रा मैया के लिए कुंभदुआ के पेड़ की तीन टहनियां बकुला के रूप में चढ़ाते हैं। एक दिन भेंट से पूर्व एक टहनी गायब थी, इसलिए पुजारी ने निश्चय किया कि वो एक टहनी को बकुला के पेड़ की टहनी से बदल देंगे और उस दिन वो टहनी महाप्रभु गौरांग को भेंट रूप में दी गई थी। गौरांग महाप्रभु नामाचार्य हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए बगीचे में आए और उन्होंने उस महाप्रसाद बकुल से बकुला का पेड़ लगाया। वह पेड़ जल्द ही बड़ा होकर बहुत खूबसूरती से फलने फूलने लगा और सबको शीतल छाया प्रदान करने लगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जाने के बाद एक भक्त जिनका नाम श्रील जगन्नाथ गोस्वामी था, वो वहाँ भजन करते थे। एक दिन राजा के कुछ अधिकारी वह बकुला का वृक्ष काटने के लिए आए जिसका तना सीधा और मोटा था। जगन्नाथ स्वामी का रथ का पहिया बनाने के लिए बिल्कुल आदर्श। श्रील जगन्नाथ गोस्वामी ने उन अधिकारियों को उस बकुल वृक्ष की सर्वोच्च पवित्रता के विषय में बताया और यह भी बताया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उस बकुला के वृक्ष को उगाया था और बाद में वह वृक्ष नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भजन स्थली के रूप में उपयोग में आने लगा। अगले दिन जब राजा के अधिकारी उस पेड़ को लेने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। रातों रात बकुला का वह वृक्ष झुलस चुका था और उसका मुख्य तना चट्टान की तरह कठोर हो चुका था। पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया था, इधर उधर मुड़ चुका था। उसकी अन्य टहनियां सांप की तरह इधर उधर झूल रही थी। अब वह पेड़ उनके किसी काम का नहीं था। वानस्पतिक सिद्धांतों के अनुसार पेड़ मर जाना चाहिए, परंतु वह पेड़ आज भी खूबसूरती के साथ फल फूल रहा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे फिर वो कोई वस्तु ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि बकुल वृक्ष की एक टहनी ही क्यों ना हो, जगन्नाथ स्वामी महाप्रभु चैतन्य और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के साथ घनिष्ठता पूर्वक जुड़ी हुई है तो वह निश्चित रूप से सिद्धता हासिल करेगी और पूर्णता हासिल करेगी और चमत्कारिक कर्म भी करेगी। बकुला वृक्ष ने सिद्धता प्राप्त कर ली थी और उस दिन से यह सिद्ध बकुल वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। हर साल चैत्र संक्रांति पर, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने इस बकुल वृक्ष को प्रकट किया था, स्थानीय लोग इसे दंत कस्थ रोपना महोत्सव के एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, जिसका अर्थ है एक लकड़ी के द्वारा पेड़ का उगाया जाना। स्थानीय भक्त उस दिन 108 बर्तनों में पानी भरकर उस बकुल के वृक्ष को स्नान कराते हैं। साथ ही चैतन्य महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर और उनके अन्य भक्तों का गुणगान करते हुए भजन गाते हैं। सिद्ध बकुला की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।